कि मैं इतना ज्यादा भी मेकअप नहीं करती हूँ कि अब आप बोलो करती तो है <laughs> ओ ये आप देखो ये देखो तो माई चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर 500 हंड्रेड के पांच ब्लश और हाइलाइटर पैलेट्स मतलब इन्हें आप एज़ अ ब्लश पैलेट भी यूज़ कर सकते हो एज़ अ हाईलाइटर पैलेट भी यूज़ कर सकते हो और किसी को भी आप एज अ आई शेडो तो यूज़ कर ही सकते हो बहुत मस्त है तो पैसे बहुत सारे बचने वाले हैं सबसे पहले बात करते हो सबसे सस्ते की इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ये है स्विस ब्यूटी के बेक्ड ब्लशर एंड हाईलाइटर पैलेट मैं तो एक्चुअली इसे सबको मिक्स करके लगा लेती हूँ बट इसमें क्या होता है इसमें आपको दो ब्लश मिलते हैं और दो हाईलाइटर मिलते हैं मैं आपको इनके हैंड वॉच दिखा देती हूँ ये आप देख सकते हो मैंने जो मंगवाया है ना ये पीच शेड मंगवाया है देख सकते हो आप इसमें आपको दो हाइलाइटर मिलते हैं और दो ब्लश मिलते हैं जो चारों चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी शाइन वाली हैं शिमर वाली हैं शेड्स इनके बहुत प्यारे हैं और ये आपको अंडर 300 मिल जाता है मैंने इसमें पीच शेड मंगवाया है इसमें आपको पिंक शेड भी मिल जाता है मेरा जो इसमें शेड है वो है ज़ीरो वन तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए एक ऐसा पैलेट ढूंढ रहा हूँ जिसमें आपको ब्लश का भी काम हो जाए हाइलाइटर का भी काम हो जाए तो आप इस पैलेट को ज़रूर ट्राई कीजिए ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये होने वाला है ग्लैम ट्वेंटी का ब्लशर पैलेट इसमें आपको छः शेड्स मिलते हैं इसमें आपको कोई भी शेड शिमर वाला नहीं मिलता है छः के छः मैट शेड मिलते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली इसमें मिरर लगा हुआ है ये आप देख सकते हो इसके शेड्स मैं आपको ज़रा से हैंड स्वच करके दिखाती हूँ इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ना ऑरेंज शेड भी मिल जाता है तो इन्हें आप एज आई शेडो तो बिल्कुल यूज़ कर ही सकते हो रुको मैं आपको ना इसके हैंड वॉचेज दिखाती हूँ ज़रा से ये आप देखो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ओ माई गॉड ये आप देख सकते हो इसके शेड्स इन्हें ब्लेंड करना बहुत इजी होता है तो ये बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपको बहुत प्यारे प्यारे से गुलाबी गुलाबी गाल पसंद है ना तो आप इसे ट्राई कर सकते हो तो ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है इसके शेड्स मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ ये आप देख सकते हो लाइट पिंक भी हो गया डार्क पिंक भी हो गया पीच भी हो गया ऑरेंज भी हो गया मतलब मस्त शेड मिलने वाले हैं सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट कर लीजिएगा तीसरा वाला पैलेट तो आपने मेरी मेकअप वीडियोज़ में बहुत देखा होगा ये है एले कलर्स का मतलब इसे तो मैं इतना ख़त्म कर चुकी हूँ ना कि इसके ये जो दो शेड है बेचारे ज़मीन दिखने लग गए इनके नीचे से इसमें आपको ये आप देख सकते हो तो तीन शेड्स आपको मिलते हैं ब्लश के लिए ये तो आप एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो वैसे आप इसे भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो एज आ इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ये वाला शेड और ये वाला शेड मैट फिनिश में मिलता है ये और ये शिमर फिनिश में मिलते हैं सारे के सारे अब मैं आपको इसके हैंड स्वॉचेस दिखा देती हूँ बट मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँ मेरा पजामा गंदा हो रहा है बस <laughs> तो मैं आपको इसके ना थोड़े से स्वाचेस दिखा देती हूँ ये आप देखो बहुत ही प्यारा पैलेट है ये वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट है और ये आप देखो इसके हैंड स्वाचेज ये देखो बैंग ऑन पैलेट है ये बिल्कुल बैंग ऑन पैलेट इसके ये हाइलाइटर की बात करूं चाहे ब्लश की बात करूं मतलब आप खुद देख सकते हो ना अगर मैंने इसे इतना खत्म कर दिया जबकि मैं इतना ज्यादा भी मेकअप नहीं करती हूं कि अब आप बोलो करती तो है <laughs> तो मेकअप तो मैं करती हूँ बट मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता उसकी कभी भी फर्श नहीं दिखता मतलब इतना ख़त्म नहीं होता वो तो चलो फिर ये भी आप ट्राई कर सकते हो ये है एल कलर्स का इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है 22 ग्राम की इसमें अगर मैं बात करूँ ग्लैम ट्वेंटी वाले में इसमें आपको इक्कीस ग्राम की क्वान्टिटी मिलती है इसमें छः आपको वो मिल रहे हैं ब्लश इसकी अगर मैं बात करूं इसमें आपको सात ग्राम की क्वांटिटी मिलती है मतलब क्वांटिटी तो बहुत गज़ब वाली मिल रही है एक मेरे पास है स्विस ब्यूटी का पैलेट ये मैंने लेटेस्ट ही मंगवाया है और बहुत सही पैलेट मुझे लगा इसकी पता सबसे अच्छी बात क्या है इसमें आपको ये चार जो शेड है ना जो एज अ ब्लश हम लोग यूज़ करते हैं वो मिलते हैं बिल्कुल मैट फिनिश में और ये चार आपको बिल्कुल मिलते हैं शिमर फिनिश में देखो क्या होता है ना जो हम ब्लश लगाते हैं इतना भी हमें बिल्कुल चमकना नहीं होता कि ब्लश भी चमके हाईलाइटर भी चमके बिल्कुल चमको डिटर्जेंट पाउडर बन जाओ ऐसा नहीं होता तो ब्लश मैट वाले अच्छे लगते हैं मुझे और हाईलाइटर थोड़े से ना चमक वाले तो बहुत सही है ये बट कुछ लोगों को तो भाई ब्रॉन्जिंग भी, भी थोड़ी सी शाइनी चाहिए तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये भी बहुत मस्त है तो चलो इसके भी आपको थोड़े से शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ ये आप देख सकते हो पिगमेंटेशन इसकी पिगमेंटेशन बहुत मस्त है बिलीव मी बहुत मस्त है मैं आपको इसके हाईलाइटर शेड्स भी दिखा रही हूँ और ये भी दिखा रही हूँ ये आप देख सकते हो तो इसका रोज़ गोल्ड शेड है ये इसका थोड़ा सा ब्रॉन्जी शेड है ये इसका गोल्डन शेड है और ये इसका है ब्लश का शेड ये आप देखो ये देखो इससे ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगी किसी और पैलेट में बिलीव मी किसी और पैलेट में नहीं मिलेगी ये है स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट बेसिकली उन्होंने तो ये सब ब्लश ही डिक्लेयर कर दिए बट ये जो है ना शेड्स इन्हें मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ करती हूँ और इन सबको आप एज अ आई शेड तो यूज़ कर ही सकते हो पैलेट की अगर मैं बात करूँ तो ये है ज़ीरो वन इसकी क्वांटिटी आपको मिलती है सोलह ग्राम की सारे के सारे बहुत मस्त पैलेट्स हैं और देखो पैलेट मैं आपको इसीलिए एडवाइस कर रही हूं ताकि आपके ब्लश हाइलाइटर और आई शेडो सबका काम एक साथ ही हो जाए एक एक चीज अलग अलग ना लेनी पड़े वो थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है एक है मेरे पास ये पैलेट कैमलियन है ब्रांड ये प्रो एच डी ब्लशर एंड हाईलाइटर एंड कॉन्टोर पैलेट बेसिकली इनके हिसाब से ये जो इनका ये वाला शेडन है ना इसे आप एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज कर सकते हो इसमें कोई भी शेड आपको मैट नहीं मिलता है सबके सब आपको शिमर वाले ही शेड मिलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे शेड को फिंगर से लिया और जल्दी से आइज पे रब कर लिया इससे बहुत प्यारी सी आई लुक बन जाती है जल्दी में हमेशा मैं यही करती हूँ तो इसके भी मैं आपको शेड थोड़े से दिखा देती हूँ इसमें आपको गोल्डन शेड मिल जाएगा इसमें आपको थोड़ा सा ना पिंक शेड मिल जाएगा और ये वाले जो है ना ये मिक्स शेड होते हैं इसमें थोड़ी सी ना कॉपरिश वाला मैं आपको दिखाती इसमें आपको गोल्डन का टच भी मिल जाएगा चार चार के मैं आपको हैंड्स दिखा रही हूँ ये देख सकते हैं आप इसके शेड्स और ये मैं आपको अब भी लगा के दिखाती हूँ देखो ओ ये आप देखो दिख रहा है दिख रहा है अरे कहा गया ये देखो गोल्डन पिंक ब्रॉन्स पीच यहीं से दिखेगा <laughs> बहुत ही प्यारे शेड्स हैं इसके चाहे मैं पीच शेड की बात करूं चाहे मैं गोल्डन शेड की बात करूं कहाँ गया कहाँ गया ये रहा ये आप देखो बहुत ही इसके प्यारे शेड्स हैं तो आप इन पांचों पैलेट्स को ट्राई कर सकते हो इन सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो में अलग लाने वाली हूं हाइलाइटर्स के लिए क्योंकि कई लड़के बोलते हैं सिर्फ हाइलाइटर्स के टॉप फाइव बता दो अफोर्डेबल में तो ये जो मैंने अभी बताया ना आपको इन्हें आप एज अ ब्लश क्योंकि ये ब्लश पैलेट और हाईलाइटर पैलेट मिक्स है तो आप इन्हें ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो आई के लिए भी यूज कर सकते हो और हाईलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो मेरे ये पाँचों के पाँचों फेवरेट है तो आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चेकआउट जरूर कीजिएगा तो शेड्स आप खुद ही देख लो बहुत मस्त शेड्स हैं इनके तो चेकआउट करना तो बनता ही है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय